जय जय शंकर, हर हर शंकर, हर हर महादेव। फिलहाल मैं मन्नानूर में हूँ और यहाँ से बाबा का मंदिर जो है 75 किलोमीटर दूर है। तो आज जो है बाबा से मुलाकात होगा, बाबा का दर्शन होगा, मतलब बाबा के वहाँ पहुँच जाएंगे और 11वां ज्योतिर्लिंग भी जो है आज कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर जो ये जो है आपका ना आपका ये बॉर्डर है, ठीक है, मतलब इधर आपका चेक पोस्ट बैठता है। तो अभी इधर से मैं निकल के जाता हूँ बाबा के उधर और देखते हैं उधर क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि उधर में पहाड़ मतलब बहुत है, ये सीन थोड़ा ज़्यादा है और जंगली जानवर का भी खतरा है। इन सब से बच बचाते हुए भी हमें पहुंचना है बाबा के वहाँ, तो चलते हैं। तो इधर से जो है फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट है, मेरे पीछे वो जो है गेट आप देख ही रहे हैं, तो पूरा जंगल है और यहाँ पर जो है ना हर जगह बोर्ड लगाया हुआ है जो ध्यान से चले और जानवर वगैरह का खतरा है। देखिए मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, देख रहे हैं शेर चीता सब चीज़ का है और पता नहीं आज का दिन क्या होने वाला है, कैसे पहुँचने वाले हैं। 72 किलोमीटर है और बचा हुआ और पहाड़ है, पता नहीं कैसे क्या होने वाला है। सब महादेव पे छोड़ दिए हैं, वो कैसे कैसे पार कराते हैं वो उन्हीं के ऊपर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपना जो काम है वो ही कर सकता हूँ, साइकिल ही चला सकता हूँ, बाद बाकी उन्हीं को पार करवाना होगा। मुश्किल से जो है आपका 5 किलोमीटर के आसपास ही साइकिल चलाए हैं और हालत ख़राब हो गया, क्योंकि चढ़ाई है ना और चढ़ाई में चलाने में हालत ख़राब हो जाता है। अभी देखिए और क्या क्या होता है आगे, और शायद इससे भी ऊंचा पहाड़ मिले जहाँ पे मैं साइकिल चला नहीं पाऊँ, तो उधर धक्का देते देते हुए लेके जाना होगा। मैं अभी तक जितने भी जगह गया सबसे भयानक यही वाला है। इसमें जो जंगल मिला भाई साहब, बहुत लंबा जंगल और ऊपर से रास्ता जो है जो चढ़ाई है, साइकिल चलाना पॉसिबल नहीं होता है, तो रुक रुक के जाना पड़ता है और इधर उधर तो बंदर दिख ही जाता है। देखिए जंगल कैसा जंगल है, मतलब एक्चुअल अगर जंगल लाइफ अगर किसी को करना है आइए मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, तब आपको पता चल ही जाएगा। हाँ। और इस फॉरेस्ट में आप अगर किसी भी जानवर को अगर कुछ खिलाते हो या प्लास्टिक फेंकते हो या आप दारू पी के गाड़ी चलाते हो तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट आपका 10,000 रुपये का पेनल्टी लग जाएगा, कोई रोक टोक नहीं, मतलब डायरेक्ट 10,000 रुपये देना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है आपके पास। यहाँ से जो है 57 किलोमीटर है आपका श्रीशैलम, चलिए बढ़िया ही लग रहा है, लेकिन इधर में आपका नेटवर्क नहीं मिलता है, ये इंटायर आपका फॉरेस्ट एरिया में नेटवर्क नहीं मिलेगा। यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे तो आपको नेटवर्क मिल सकता है, अब मुझे भी नहीं पता। और मैप में मैंने देखा था 1-2 व्यू पॉइंट भी है, देखते हैं अगर मिलेगा, अगर टाइम हुआ तो रुकेंगे वहाँ पर व्यू पॉइंट पर, नहीं तो एकदम जाते रहेंगे। समय से जितना मेहनत नहीं हुआ अब वो होने वाला है। ये पहाड़ देख रहे हो ना, रास्ता एकदम सीधा खड़ा है, ओ भाई साहब इधर तो मेरे से चलेगा नहीं, उठा के ले जाना पड़ेगा, मतलब उठा के नहीं धक्का देते देते ले जाना पड़ेगा भाई साहब। मजा आ रहा है, बिना पेडल मारे जा रहा है, ब्या स्पीड जा रहा है, डर भी लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, बढ़िया ही लग रहा है अभी। लेकिन बीच बीच में ना ज्यादा स्पीड हो जाने से स्पीड पे कर देता है, तो उसमें क्या हो जाता है फिर रोको फिर स्पीड लो, मजा नहीं आता, पूरा फाइव फाइव देना चाहिए था रास्ता। तो क्या जंगल है, क्या ही जंगल है, महादेव भी लेकिन बैठे हैं गजा स्थान पे, मजा आ रहा है। आ रहे हैं महादेव और 45 किलोमीटर दूर है, पहुंच रहे हैं आपके पास। इधर में ना ये पहाड़ को काट के फिर बनाया है, ये देखिए पहाड़ का जी, ये सब देख रहे हैं ना, एकदम जैसा लग रहा है, एकदम आप अगर निकालोगे तो एकदम टाइल्स का टुकड़ा निकलेगा वैसा दिखता है।
ये जो आप जंगल देख रहे हैं, जो आयुर्वेद से जो इलाज करते हैं उन लोगों के लिए ये जंगल खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरीके का पेड़ पौधा जिससे औषधि बनाया जाता है। बहुत बढ़िया, ये तो मेरे लिए जंगल ही है, लेकिन जो लोग होम्योपैथी का काम करते हैं उनके लिए ये तो खजाना है भाई, खजाना। तो श्रीशैलम जा रहे थे, यहाँ से अभी 30 किलोमीटर दूर है, तो भैया लोग मिले। ये लोग आपका जो है कर्नाटक से है, मतलब बेंगलोर से है, तो बेंगलोर में तो मुझे बहुत सारा प्यार पहले मिला ही है, तो भैया लोगों से आपको मिलावा देता हूँ। पहले भैया आप एक एक करके अपना नाम बता दीजिएगा। वेणु बेंगलोर। सुरेश बेंगलोर। लक्ष्मण बेंगलोर। वेंकट बेंगलोर। तो सब भैया लोग जो है श्रीशैलम को जा रहे हैं, तो ये लोग मेरे से पहले पहुंचेंगे और मैं थोड़ा धीरे धीरे पहुंचूंगा, फिर जाकर जो है अगर किस्मत रहा तो भैया लोग से मिलेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिएगा हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस फिलहाल मैं पहुंचा हूं बोमेलापेटा, और यहां पर जो है मैंने स्टॉप लिया है क्योंकि दोपहर का भी बज चुका है आपका 2 या 2:30 बजा है, तो भूख लगा था तो सोचे पहले खाना खा लेते हैं। तो ये होटल है, तो इसी में जो है पहले मेरा खाना देखिए, चावल, इधर दाल, इधर सब्जी, इधर चटनी है, और बहुत बढ़िया अभी खाते हैं। उसके बाद यहां से और 24 या 25 किलोमीटर ही जो है बाबा का मंदिर है, तो वो भी पहुंचेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले जो है शरीर में एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी डाल लेते हैं। बढ़िया, यहाँ का साउथ का जो वेज का खाना है ना, गजब बनता है, टेस्टी अलग है। ये सब गाड़ी जो है उधर से बाबा का दर्शन करके आ चुके हैं, और इधर देखिए ना क्या नजारा है, क्या ही खूबसूरत नजारा है। इधर मतलब ना डैम है, डैम, वो डैम शायद आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन इधर तो मुझे बड़ा मजा लग रहा है, देखिए सुंदर, एकदम बहुत सुंदर, मजा आ गया। जितना मेहनत होता है ना सब, ये सब चीज देख के जो है ना, मतलब जो लोग राइड करते हैं, साइकिल हो, बाइक हो, गाड़ी हो, उससे मतलब नहीं करता, जो लोग ये सब लोकेशन में जाते हैं उन लोगों को पता है ये सब नजारे का मतलब क्या होता है। और मस्त खूबसूरत, आहा, अब तो मैं डैम पे थोड़ा देर रुकूंगा, यहाँ पे व्यू लेना पड़ेगा। चलिए तो अभी जो आप मेरे पीछे ये डैम देख रहे हैं, ये श्रीशैलम डैम है, और ये जो है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक का, जब मतलब जब बारिश होता है तो इधर से ही इसी डैम से जो है पानी बहता है। और ये जो गाड़ी देख रहे हैं ऐसे करके हमें जो ऊपर से पूरा नीचे की तरफ ऐसे ऐसे घूम घूम के जो है ऐसे पूरा पहाड़े से ऊपर 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 करके फिर हमें बाबा के पास पहुँचना होगा, और यहाँ से जो है 22 किलोमीटर बाबा का मंदिर है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। और जब ये यहाँ पर जब पानी होता होगा ना तो क्या ही देखने लायक नज़ारा होता होगा। और यहाँ के लोग बहुत खुशकिस्मत है जो इतना खूबसूरत जगह जो है उनको मिला है, खूबसूरत मतलब देखने लायक जगह है, बहुत बढ़िया। अभी आपका जो है 5:47 हुआ है और अंधेरा धीरे धीरे होने लगा, और 8 किलोमीटर बचा बाबा का मंदिर। यहाँ पे अप डाउन बहुत रास्ता है, देखते हैं और कितना टाइम लगता है, आधा एक घंटा में तो पहुँच जाना चाहिए। ये है साक्षी विनायक गणपति का मंदिर, देखिए पहले तो बाबा से मिलेंगे उसके बाद देखा जाएगा। तो 7 से 8 हजार किलोमीटर जो था दिख रहा था बहुत दूर, अभी जो है 700 मीटर दूर महादेव का मंदिर है। मतलब इतना खुशी ना, दिन भर जितना मेहनत, मतलब
पिछले 3 महीने से जितना मेहनत हो रहा था सब यहाँ पे आके खत्म हो गया। बहुत मजा, बहुत बढ़िया। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, मंदिर अभी जाऊँ कि नहीं, क्योंकि अभी ना मैं थोड़ा गंदा हो रखा हूँ और मुझे ऐसे मिलने का मन नहीं है बाबा से। तो मैं सोच रहा हूँ कल ही मिलूंगा। लेकिन देखिए ना, एंट्री करते इधर में आपको मूर्ति दिखेगा, इधर में आपको जो है शिवलिंग नंदी बाबा दिखेंगे। बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं, पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा है, बाद में आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं। तो 7 से 8 हजार जो किलोमीटर दिख रहा था हमारे वहां से, तो अभी वो जाके अभी 700 मीटर बचा हुआ है। बाबा की कृपा से जो है आज मेरा 11वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो करे तो करे क्या, अभी बाबा का दर्शन करने जाए, गंदा भी है, मन भी नहीं कर रहा है ऐसे मिलने का बाबा से। तो वही सोच रहे क्या करे, दिमाग तो काम कर नहीं रहा। तो रुकिए, थोड़ा देर बाद आपको अपडेट देते हैं।